गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप सब लोगों के लिए आज लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित क्वेश्चन और उसका बेसिक नॉलेज कि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है और इसकी बेसिक नॉलेज क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं आज जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्लास 10th का है और ये जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड है, इसके नए सिलेबस के पैटर्न पर मैंने ये आप सब लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और आप सब लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को इससे संबंधित और नए सिलेबस से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से। तो दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, 90 डिग्री वाला, उसके ऊपर ही अप्लाई होती है। अगर मैं ये ट्राइंगल जो बनाया ए बी सी, तो इसके अंदर बात करूं जो 90 डिग्री जो एंगल बना हुआ है, इसके सामने की साइड को बोलूंगा मैं हाइपोटेनियस। और अगर इनमें से कोई एक साइड ले लूं परपेंडिकुलर, एक साइड बेस, अब परपेंडिकुलर किस साइड को लूंगा, जिसके सामने थीटा होगा, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, अदर साइड हमारे पास में बेस होगी। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास में एसी साइड है, सबसे बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर अदर दो साइड, दो कौन कौन सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से, लगभग थर्ड या सेवंथ क्लास, कई बोर्डों में थर्ड क्लास से, तो कई बोर्डों में सेवंथ क्लास से हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम होगी कि जो सबसे बड़ी साइड है वो अदर दो साइडों के रेशियो के स्क्वायर के टोटल के इक्वल हो गई। अब इसके अलावा हम जो इसमें बात करते हैं, जो हमारे पास में आता है साइन कोस टैन थीटा वाले जो रेशियो है उनके बारे में, इसके लिए बताया गया है कि साइन थीटा, पहले मैं एक टेबल बना लेता हूं, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट हमारे पास में आएगा कोसेक थीटा। अब दोस्तों, इससे हम एक जो याद करने लायक फॉर्मूला है वो है पी बी बी एच एच सॉरी यहां पे पी आएगा और ये हो जाएगा बी। तो ये पी बी पी एच एच बी। देखिए दोस्तों, इसको याद किस तरीके से कर सकते हैं, इसको बोले हम पीले बेटा पीले, इसको बोले हरी हरी बोतल, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो इस तरीके से पीले पी बेटा बी, पीले फिर पी, हरी एच और बी बोतल। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, फिर कोस, टैन। तो ये हमारे साइन के लिए क्या बना, पी अपॉन एच, कोस के लिए क्या बना, बी अपॉन एच, टैन के लिए क्या बना, पी अपॉन बी, कोट के लिए फिर यहां से कोट sec और ये हो गया cosec। तो देखिए नीचे से चलते हैं, b अपॉन p, sec के लिए हमारा आ जाएगा h अपॉन b और इसके लिए आ जाएगा h अपॉन p, p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनियस, b फॉर बेस। इस प्रकार से हमारे पास में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए हैं। इसमें सिंपल हम
इन दोनों की वैल्यू ये हमें दी होगी पी की एच की या बी की एच की दी होगी, पी की बी की, ऐसे कोई ना कोई तीन जो वैल्यू हमारे पास में पी बी और एच, इनमें से कोई दो एनी टू हमें दी हुई होगी, हम थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद में अगर इनमें से अगर हमें एक वैल्यू दी हुई हो, ओनली फॉर वन वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा वन एंगल, एक वैल्यू किसकी, इनकी, और एक एंगल दिया हुआ हो तो इसमें से एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, साइन कोस टैन कोट सेक वगैरह इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये वैल्यू किस प्रकार से बताएंगे, इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए टेबल, जिसमें हम बात करेंगे कि किस किस कौन कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट आसानी से हो जाएंगी। तो देखिए जीरो डिग्री की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, ये वैल्यू हमारे पास में आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगी। और किस किस के लिए, साइन के लिए, कोस के लिए, टैन के लिए, कोट के लिए और सेक कोसेक, इन सब के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। अब इन वैल्यू को हम फाइंड आउट आसानी से किस प्रकार से कर सकते हैं, इनमें अगर हमें कोई एक लाइन की जैसे साइन वाले की वैल्यू याद हो तो हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर याद ना हो तो हम क्या करें। देखिए जीरो से एक डिजिट स्टार्ट कीजिए, यहीं पे थोड़ी सी जगह निकाल के हम कर लेते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, और सबको डिवाइड कर देते हैं हम कितने से, फोर से। अलग अलग तरीके हैं इसके, चाहो तो आप दोनों तरीके बता दूंगा मैं, जस्ट पहले एक तरीके से हम बात कर लेते हैं ठीक है, और सबके ऊपर लगा देते हैं हम रूट। एक तो हमारे पास में ये तरीका है कि हम इसके ऊपर इस तरीके से इसको लिख लें और जो इसको सोल्व करते जाएं साइन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में। तो देखो जीरो अपॉन फोर जीरो ही आएगा हर टाइम, वन अपॉन फोर तो वन का तो क्या रहेगा रूट में वैल्यू वन ही रहेगी, फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, इसमें सोल्व कर लिया तो वन अपॉन टू ये वैल्यू रूट में वन बाई टू, वन की वैल्यू वन ही रहेगी रूट में और टू का टू रहेगा, इसको सोल्व किया तो ऊपर का रूट थ्री ऐसे कैसे रहेगा, नीचे वाला फोर है वो सोल्व हो जाएगा टू आ जाएगा, इसमें इसको सोल्व किया वन और वन रूट जो वैल्यू है वन हो जाएगी, ये साइन की वैल्यू आ गई। जस्ट अभी मैंने कहा था अगर हमारे पास में एक वैल्यू हो तो बाकी सारी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अपोजिट लिखना स्टार्ट करूं, इधर से वन रूट थ्री बाई टू वन बाई रूट टू ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, अब ये वैल्यू है जो यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे। अब टेन के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर डिवाइड कर देंगे हम, मतलब टेन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो साइन की वैल्यू है जैसे पहली वैल्यू जीरो अपॉन वन तो क्या आएगा जीरो ही आएगा ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारे पास में क्या देखिए वन बाई टू रूट वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगी वन बाई रूट थ्री, दोनों वैल्यू सेम है ये तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या बच जाएगा वन। यहां पे देखिए हमारे पास में टू से टू कैंसिल हो जाएगा, रूट ऊपर थ्री ऊपर भी बच जाएगा नीचे वन बच जाएगा, तो इस वन की कोई वैल्यू नहीं हटा देते हैं, वन बाई जीरो कभी भी वन बाई जीरो सॉरी नहीं होता, इसके लिए हम क्या करेंगे इन्फिनिटी यूज करेंगे ठीक है, जो नंबर्स हम सोल्व नहीं कर सकते उनके लिए इन्फिनिटी यूज करते हैं। दूसरा कोट के लिए सेम उल्टा, पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, जीरो रूट थ्री वन का वन वन बाय रूट थ्री और जीरो, फिर आती है सेक की वैल्यू जो कोस दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो वन बाय वन ठीक है रूट
थ्री की वैल्यू क्या चली जाएगी नीचे और टू ऊपर चला जाएगा, टू रूट थ्री, रूट टू टू, और ये क्या हो जाएगा जीरो अपॉन वन लगा सकते हैं हम, तो वन अपॉन जीरो कभी सोल्व कर नहीं सकते, इन्फिनिटी। ऐसे ही हमारे पास में लास्ट वैल्यू आती है कोसेक की, तो अपोजिट कर अपोजिट डायरेक्शन वापस लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे पास में कोसेक की लास्ट फाइनल जो वैल्यू थी टेबल की। दूसरा जो मैंने कह रहा था कि इसके लिए हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से है, जैसे हम बात कर रहे थे जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी, वन ओ सॉरी जीरो वन टू थ्री फोर, सबके नीचे हम टू से डिवाइड कर देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू का ही सिर्फ रूट करते हैं हम, तो अब देखिए जीरो अपॉन टू कुछ भी रहे जीरो ही आएगा, इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ऊपर का तो वन हो जाएगा नीचे का टू ऐसे कैसे जाएगा, इसको सॉल्व करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट टू अप इंटू रूट टू, एक कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगी वन बाई रूट टू। नेक्स्ट वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, इसमें इस वैल्यू को सॉल्व करूँ तो टू और टू कितना आ जाएगा वन, ऐसे हमारे पास में साइन की ये वैल्यू आ गई, मतलब साइन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में जीरो वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू और वन। जस्ट अपोजिट करके कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर टेन का दोनों का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कोट की वैल्यू अपोजिट साइड से लिख देंगे, सेक में कोसेक का उल्टा कर देंगे और कोसेक में साइन का अपोजिट कर देंगे, तो ये हमारे पास में वैल्यू होगी किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब नेक्स्ट आगे जो बात करते हैं, कुछ इसके आइडेंटिटीज दी हुई हैं उन आइडेंटिटी के बारे में, तो वो इस प्रकार से हमारे पास में जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी आती है देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू वन होता है, इसके लिए मैं आइडेंटिटीज लिख सकता हूं या रेशियो जो होते हैं हमारे पास में वो लिख सकता हूं साइन थीटा कोस थीटा। दूसरा अगर मैं साइन को यहाँ पे रखा हूँ कोस को डिवाइड में ले गया, अब कोसेक को यहाँ पे रखता हूँ साइन को डिवाइड में लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही कोस थीटा सेक थीटा इक्वल टू वन, तो कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। देखिए यहाँ पे वही किया कोस को यहाँ के यहाँ रखा सेक को डिवाइड में ले गया, दूसरे में क्या करूंगा सेक को यहीं के यहाँ रखूंगा और कोसेक को डिवाइड में ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में क्या सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा, ऐसे बनती है टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू वन। अगर मैं टेन को यहाँ रखता हूँ कोट को कहाँ ले जाऊंगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा हमारे पास में टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा, और दूसरा कोट को यहीं की यहीं रखूँ टेन को डिवाइड में ले जाऊँ तो कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, तो ये हमारे पास में कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गए हैं। अब नेक्स्ट जो दो आइडेंटिटी और हैं टेन के लिए, टेन के लिए एक आइडेंटिटी क्या लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट के लिए एक आइडेंटिटी लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये दो आइडेंटिटीज हमारे पास में और हो गई। इन सब आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में
टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30, इसको सोल्व करना है हमें। तो इसमें देखिए हमारे पास में जो हमने टेबल बनाई है इसमें वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले किसकी, टेन 60, टेन ये रहा और 60 ये रहा, तो हमारे पास में टेन 60 की वैल्यू कितनी आई है, रूट थ्री स्क्वायर लगा हुआ टेन के ऊपर, ऐसे कैसे लगा दिया, थ्री प्लस का सिंबल था प्लस का ऐसे कैसे लगा दिया, उसके बाद थ्री कोस 30। तो देखिए कोस ये रहा और 30 ये रहा, तो ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई रूट थ्री बाई टू स्क्वायर, ये वैल्यू किसके आ गई हमारे पास में, कोस 30 की, और स्क्वायर ऐसे कैसे लगा दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और एक का इसका 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 4। अब इसका क्या करते हैं सोल्व करने के लिए, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, 4 ऊपर ये 9 हो जाएगा। तो देखिए 1 से डिवाइड किया 4 टाइम, 1 से 4 को डिवाइड किया 4 टाइम गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 4, यहाँ पे 4 को 1 टाइम डिवाइड किया 4 का 4 में, और इसको मल्टीप्लाई किया कितने से, 3 जा 9 से। उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 12 प्लस 9 अपॉन 4। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्या, इन दोनों को ऐड करें, तो ऐड करने पे कितना आ गया, 21 अपॉन 4, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे इसका एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है, तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है 4 cos 3 45 माइनस 3 cos 45। तो देखिए cos और ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आ गई, 45 की, कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, और इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई में है, माइनस 3 कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू 4 × 1/√2। देखिए दोस्तों इसको मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इस 2 टाइम का तुम लोगों को आसानी से सर मतलब आता होगा, तो 3 टाइम को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों को सोल्व किया तो क्या जाएगा, 1/2, और ये इधर का ऐसे कैसे के साथ में बच जाएगा, और इसको पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 3 और इसके ऊपर हमारे पास में सॉरी स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में कितना जाएगा, 2√2 से इसको डिवाइड किया तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस का माइनस, इसको इससे डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास में 2 को मल्टीप्लाई किया कितना जाएगा 6, ठीक है। चाहते तो हम एक और भी काम कर सकते थे इसके अंदर, क्या करते इसको यहां से इसको काट सकते थे, 1 और 2 दोनों का एलसीएम होता हमारे पास में कितना, सिर्फ रूट ही, तो ऊपर से इधर की वैल्यू आ जाती है 2 और इधर की वैल्यू आ जाती है कितनी 3, और नहीं करते तो भी हम आगे जाके इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। ये बच गया हमारे पास में माइनस का 1/√2, ये आंसर आ गया। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। अब हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, साइन 60
कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 की वैल्यू होगी कितनी, रूट 3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट में हैं, साइन की 30 की वैल्यू होगी 1/2, कोस की 1/2। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, सोल्व किया हमने, तो देखिए रूट थ्री हो जाएगा, 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए हमें ऊपर की डिजिट ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे की डिजिट नीचे मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया। आगे क्या करेंगे, 4 से इसको 1 टाइम डिवाइड किया और ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 1 टाइम डिवाइड गया और ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 1/4, 4/4 = 1, आंसर आ गया। आगे हम सोल्व करते हैं, ये तो हमने एग्जांपल बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, अब जो आगे क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, एक से लेके लगभग दो क्वेश्चन, आप दो तीन क्वेश्चन तो आप कर लोगे। हम चलते हैं इसके सीधे फिफ्थ क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज नंबर 6.1 ही है, इसके अंदर शायद एक एक्सरसाइज है। हाँ 6.1 ही है इसके अंदर। तो इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे को सिंपल सी, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे न्यूमेरिकल डिजिट दे रखी है उसको ऐसे कैसे पुट रखेंगे, बाकी जो हमारे को वैल्यू दे रखी है एंगल्स की उन वैल्यू को टेबल से हम वैल्यू पुट कर देंगे। 5 का 5 जो आप लोगों ने टेबल बनाई है उस टेबल के अंदर से वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू हमने पता भी होगी कितनी होगी, 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 4 sec 30, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2√3 और इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और इसके ऊपर स्क्वायर, अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो, प्लस कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है 3/2 और इसका स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस इसको देखिए 4 का 4 इसको सोल्व किया 4 और √3 को सोल्व किया तो 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 3/4। ये एक स्टेप हमारे पास में यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में क्या करें, ऊपर वाले डिजिट का ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले डिजिट का नीचे एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले डिजिट का एलसीएम हमारे पास में आएगा, ये देखो मल्टीप्लाई में ये डिजिट, ये मल्टीप्लाई में है, ये 1 है, 4 मल्टीप्लाई क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 4 से इसको 4 को डिवाइड किया 1 × 5 प्लस 3 को इससे डिवाइड किया, सॉरी हमारे पास में एलसीएम आएगा 12, क्योंकि यहाँ पे कितना है 4 यहाँ पे 3, तो ये एलसीएम हमारे पास में कितना जाएगा 4, 3 टाइम गया 3 × 5, 3 से इसको डिवाइड किया 4 टाइम, 4 को 4 से इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 × 4 = 16 माइनस ये 4 1 है इसके नीचे, 1 को 12 से डिवाइड किया तो 12 × 1, ठीक है। ऐसे ही नीचे का एलसीएम हमारे पास में 4 ही आएगा, तो 4 1 और ये 3। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, 15 + 64 − 12 / 4/4, तो ये 4/4 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में जो वैल्यू बच जाए कितनी, ऊपर से इसको सोल्व करते हैं तो देखिए
64 का 64 ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसमें 12 माइनस का 15 प्लस का है, तो इन दोनों को किया तो 3 बच जाएगा प्लस का, ठीक है। और प्लस के 3 इसमें ऐड कर सकते हैं तो कितना जाएगा 67 और नीचे 12, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा ऐसा ही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे 8th।